सभी पदक विजेताओं, उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, शिक्षकों, अन्य सभी विद्यार्थियों तथा अभिभावकों को मेरी बहुत बहुत बधाई। प्रकृति की सुंदरता और संस्कृति की विविधता के लिए प्रसिद्ध जम्मू और कश्मीर राज्य का पूरे देश के लिए विशेष आकर्षण और महत्व है। इसीलिए भारत के राष्ट्रपति पद का भार ग्रहण करने के बाद किसी भी राज्य में अपनी पहली यात्रा का जो मैंने निर्णय लिया था वो जम्मू और कश्मीर का था। ये यात्रा मैंने पिछले अगस्त 2017 में लेह लद्दाख में आकर के जवानों के बीच में की थी। हम जानते हैं कि बहादुर जवानों के पराक्रम को याद करने के लिए जिस क्षेत्र में ये विश्वविद्यालय स्थापित है, रियासी में 1965 के युद्ध की स्वर्ण जयंती के अवसर पर 2015 में वार मेमोरियल बनाया गया था। यह मेमोरियल सभी पर्यटकों में देश प्रेम की भावना का संचार करता है और आप सभी युवाओं को त्याग और बलिदान जैसे जीवन के ऊंचे आदर्शों से जोड़ता है। इस राज्य के लेह लद्दाख में बहादुर जवानों से मिलने के बाद आज फिर ऐसा संयोग बना कि मैं आप सभी प्रतिभाशाली युवाओं के बीच आने का अवसर मिला। यह विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यहाँ पढ़ने के लिए आप सभी विद्यार्थियों ने कठिन चयन प्रक्रिया का सामना किया। मुझे बताया गया है कि 24 राज्यों से आए विद्यार्थीगण यहाँ स्टडी कर रहे हैं और यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक गण भी 16 राज्यों से आए हुए हैं। और इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि आज यहाँ हम 21वीं सदी के एक प्रतिभाशाली मिनी इंडिया को देख रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस विश्वविद्यालय का निर्माण श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा किया गया है, जिसकी सबसे बड़ी जो विशेषता मुझे बताई गई वो ये कि इसके निर्माण में साधन संपन्न श्रद्धालुओं के साथ साथ गरीब श्रद्धालुओं का भी योगदान है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि यहाँ के विद्यार्थियों से नैतिकता और मानवीय मूल्यों पर आधारित आचरण की अपेक्षा करना स्वाभाविक होता है। मैं समझता हूं कि दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज है किसी मासूम बच्चे की मुस्कान, और समाज के सबसे बड़ी सफलता है हमारे बच्चों का सुरक्षित होना। हर बच्चे को सुरक्षा देना और उसे सुरक्षित महसूस कराना किसी भी समाज की पहली जिम्मेदारी होती है। देश के किसी न किसी कोने में कहीं न कहीं हमारे बच्चे आज जघन्य अपराधों का शिकार हो रहे हैं। हाल ही में इस राज्य में एक मासूम बच्ची ऐसी बर्बरता और निर्मम हत्या का शिकार हुई है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, और इसीलिए मैंने आप सबके सामने जो जीवन का उद्देश्य मानवीय मूल्य वो बहुत जरूरी है। और मैं तो कहना चाहूंगा कि यू एज अ यूनिवर्सिटी हैज टू सेट ए गोल फॉर
For university, it could be a goal to be a center for excellence, and for graduating students, the goal could be every graduating student to be excellent in life. आज हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के 70 वर्षों के बाद भी देश के किसी भी भाग में ऐसी घटना वास्तव में शर्मनाक है। हम सभी को सोचना होगा कि हम कहां जा रहे हैं, हम कैसा समाज बना रहे हैं, हम अपनी भावी पीढ़ी को क्या दे रहे हैं, क्या हम ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जहां हमारी मां बहनें और बेटियां, जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को सही अर्थों में अनुभव कर सकते हैं। हम सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि देश के किसी भी भाग से किसी भी बेटी या बहन के साथ ऐसा ना हो। मुझे विश्वास है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति इन बेटियों के प्रति अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को जरूर निभाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी शिक्षा व्यवस्था वो है जो हर विद्यार्थी को एक अच्छा इंसान बनाती है, एक ऐसा इंसान जिसमें दूसरों के लिए संवेदनशीलता और सम्मान हो। जो अच्छा इंसान होगा वो जीवन में कहीं पर भी रहेगा वो हमेशा अच्छा होगा। यदि वो डॉक्टर बनेगा तो वो एक अच्छा डॉक्टर साबित होगा, अगर इंजीनियर बनेगा तो वो बेहतर इंजीनियर साबित होगा। अर्थात वो जीवन के जिस क्षेत्र को भी चुनेगा उसमें अपनी अलग छाप छोड़ेगा। मुझे बताया गया है कि यहाँ का परिसर बन जाने के बाद इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन मेरे पूर्ववर्ती डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था और उस अवसर पर यहाँ उन्होंने पहला व्याख्यान भी दिया था। इस विश्वविद्यालय से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए, खासतौर से विद्यार्थियों के लिए, यह एक गौरव की बात है। डॉक्टर कलाम का जीवन हर भारतवासी को प्रेरणा देता है। उन्होंने बचपन से ही अखबार बेचने और घर से, हम सब लोग जानते हैं, ही वॉज बॉर्न एट रामेश्वरम, द लास्ट एंड ऑफ द कंट्री। उन्होंने बचपन से ही अखबार बेचने और घर से 15 किलोमीटर दूर स्थित स्कूल जाने के लिए रोज साइकिल चलाने जैसी चुनौतियों के बीच आगे बढ़ते हुए अंततः वैज्ञानिक बनने के अपने सपने को पूरा किया था। और मुझे नहीं लगता है कि दोज हु आर ग्रेजुएटिंग टुडे, यू मे हैव सीन सच चैलेंजेस इन योर लाइफ। डॉक्टर कलाम रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में मिसाइल मैन के नाम से मशहूर हुए और वो हमेशा सादगी और निष्ठा के साथ देश सेवा में लगे रहे। वे विकास और कल्याण के लिए टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग करने के हिमायती थे। उन्होंने अपनी योग्यता का उपयोग समाज और देश के कल्याण के लिए किया। इस तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर कलाम एक बहुत ही योग्य वैज्ञानिक तो थे ही, लेकिन वो उससे बढ़कर के भी एक महान इंसान थे। इस तरह सही मायनों में वे अच्छी शिक्षा के प्रतीक थे। अपने बचपन में और विद्यार्थी जीवन में उन्होंने जिस तरह अपनी राह बनाई उसमें आप सभी के लिए बहुत कुछ सीखने लायक है। विश्वविद्यालयों और विद्यार्थियों को आज के परिवेश में रिसर्च, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप पर जोर देने की आवश्यकता है। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि इस विश्वविद्यालय में टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर सक्रिय है। इस सेंटर में विद्यार्थियों को स्टार्टअप के लिए पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं। विद्यार्थियों में जॉब सीकर के बजाय जॉब प्रोवाइडर बनने की सोच पैदा हो रही है और इसको मैं एक
सराहनीय पहल मानता हूं। इस सिलसिले में श्री सुनील भारती मित्तल और श्री पवन मंजाल को मानद उपाधि प्राप्त करने के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। श्री मित्तल और श्री मंजाल ने अपने उद्यमों को आगे बढ़ाते हुए बहुत बड़ी तादाद में रोजगार पैदा किया और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुझे विश्वास है कि इनसे प्रेरणा लेकर आप में से बहुत से विद्यार्थी अपना उद्यम भी शुरू करना चाहेंगे। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय में बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 12 में से 8 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। और इन बेटियों पर न केवल मुझे बल्कि पूरे देश को गर्व है। और ये ट्रेंड whenever I go, as you may be knowing, I happen to be the visitor of 148 central universities. And wherever I go to address the convocation, I find the same trend. I find our girls are marching ahead as compared to our boys. लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि अभी भी हमारे समाज में बेटों के मुकाबले बेटियों पर अधिक पाबंदियां लगाई जाती हैं। फिर भी वे अपनी शक्ति और विवेक के बल पर हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। अब इसका उदाहरण अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में हम सबको देखने को मिलता है। इसमें भी भारत की ओर से सबसे अधिक पदक एक बेटी ने हासिल किया, सबसे अधिक, और वो थी दिल्ली की मनिका बत्रा, जिसको 2 स्वर्ण पदक सहित कुल 4 पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। देश के कोने कोने में अपने खेल को निखारने वाली बेटियों ने स्वर्ण पदक जीते। मणिपुर से, मैं पूरे देश की बात करता हूं, मणिपुर से मैरी कॉम, मीराबाई चानू, संजीता चानू, हरियाणा से मनु भाकर, विनेश फोगट, तेलंगाना को कर्मस्थली बनाने वाली हरियाणा से साइना नेहवाल, कर्नाटक से अश्विनी पोनप्पा, महाराष्ट्र से तेजस्विनी सावंत, पंजाब से हीना सिद्धू, बिहार से श्रेयसी सिंह और उत्तर प्रदेश से पूनम यादव ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत की बेटियों की प्रतिभा को विश्व पटल पर सम्मान दिलाया। और जब हम बेटियों की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को कैसे भुला सकते हैं। शी इज द ओनली वन लेडी सिटिंग ऑन द डाइस। अपने पिता मुफ्ती साहब की सोच और विरासत को आगे बढ़ाते हुए और तमाम मुश्किलात के दौर से निकलते हुए इस कठिन और संवेदनशील प्रदेश को आज वो एक कुशल नेतृत्व दे रही हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी विद्यार्थी यहाँ से प्राप्त शिक्षा का अपने विकास में और देश की प्रगति में भरपूर उपयोग करेंगे। मेरी शुभकामना और आशीर्वाद है कि आप सभी सफलता के पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।